सो गाइस, चाचू के मन की पूर्ति हो गई है। कल अच्छे से ट्रैक्टर को चलाया खेत में हमारे में। अब चाचू देख के आ रहे हैं ट्रैक्टर, सो दे मैं भी चल रहा हूँ साथ में। मैं बाइक लेके जाऊँगा और चाचू ट्रैक्टर लेके जाएंगे, सो चलते हैं। सो चलते हैं गाइस। पहुँच चुके हैं मंडी, अब चलते हैं घर पे। ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है, फिर चलते हैं। तो गाइस, ट्रैक्टर तो खड़ा कर दिया था, तो हमको बोरी और लेके जानी थी। हाँ, तो आज हमने कुछ नया ट्राई किया है। सो आप देख सकते हो, आज हमने बोरी को बीच में नहीं रखी है, सीट के ऊपर रखा है, देन मैं उसके ऊपर बैठा हूँ। सो इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है। तेरे तो बता के तो गया था लाली, करी तूने बता गया तेरे तो भाई। क्या खाएगी इसको? हाँ, मेरी तेरी है, तेरे को भी नहीं है, तू ऐसे कैसे लग ले? क्या खा रही है? हाँ, क्या खा रही है? एक्टिंग करेगी इसको, मैं देखती हूँ, देखी देखी। अरे क्या खा रही है बता दो दे सबको। इतनी तेज हवा चल रही है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। हवा चल रही है, पापा कब से बोल रहे हो? अच्छे अच्छे बोलते हैं। कैसा लगा भाई? कैसा लगा भाई? मस्त। कितना एंजॉय किया है? भाई देख लेना इसका व्लॉग, देख लेना वीडियो। अरे ना भाई, चैनल का नाम तो बता दे। चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई का ब्लॉग देखो, शिमला वाला, कैसा लगा आपको? भाई मजे आ गए वहाँ पे, तो जाके ऐसा लगा जैसे हम पता नहीं जन्नत में आ गए, हम किसी दूसरे फॉरेन में आ गए, कुछ दूसरे देश में आ गए। ठीक है, वहाँ पे तो ऐसा मजा आया, और यहाँ आने के बाद फिर लगा कि हम इंडिया में हैं। और जुलाई का महीना चल रहा है जिसमें कि पसीने चिप चिप ऐसी गर्मी चल रही है। जैसे शिमला में पहुँचे अलग ऐसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम फॉरन में आगे इंग्लैंड पहुँच गए। ऐसे ही वहाँ का कल्चर, रहना सहना, वहाँ की बिल्डिंगें देखी, बड़ा ही अलग ही इन्जॉय आया। और जैसे वहाँ जाने के बाद हमने गर्म कपड़े पहने, हमने वहाँ पे जाके अपना टी शर्ट नीचे पहनी, उसके ऊपर मैंने शर्ट पहनी, गर्म कपड़े तो मैं लेके गया। हाँ, सही बात है, पता था नहीं तो, लेकिन ठंड थी। और जब वहाँ पे सोते थे हम तो होटल में कंबल और रजाई, पंखा चलाते थे। जैसे एक दिन बारिश होगी तो हमने रजाई भी ओढ़ी। अच्छा, बारिश भी हुई थी? हाँ, बारिश हुई दो दिन। तो उसके बाद लेकिन जैसे ही फिर वहाँ से चले जिस दिन, तो वहाँ से चले जब तो मौसम ठीक था, जैसे जैसे धीरे नीचे पहुँचे, कालका पहुँचे, तब भी मौसम उसे ठीक था रहना। और जैसे कालका से ट्रेन जब चली दिल्ली के लिए, धीरे धीरे हमारे कपड़े उतरने शुरू हो गए। पहले हमने शर्ट उतारी, फिर लास्ट में आकर बनियान भी उतार दी। ये कल ये सेंडो बनियान में आओगे, और घर आए तो और भी ज़्यादा बुरा हाल। फिर तो एसी का सहारा है, ये जो लगा हुआ है एसी का सहारा है, इसने आज हमारा का थकावट उतारी है, और हमको शिमला का दोबारा से मजा दिया। टूर कुल मिला के बहुत ही अच्छा और मस्त रहा। मैं तो सभी को कहूँगा, मैं सबको जाना चाहिए। तो गाइस, हम भी चलेंगे, जतिन और मैं ही जाएंगे। अब तो चाचा तो हो गया है, पता नहीं कब जाएंगे अब तो चाचा गोवा जाएंगे। सो अरे क्या है, क्या है, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? तो गाइस, 6:30 हो चुके हैं, अब ये मेरा जिम जाने का टाइम है। सो अब मैं जिम जा रहा हूँ, चाचू वेट कर रहे हैं, अपने जॉब से आए थे, चाचू वेट कर रहे हैं मंडी में मेरा। सो अब उनको पिक करके सीधा जिम में जाएंगे। सो चलते हैं जिम में। Oh,
सो गाइज चाचा चाची आए हैं ना, तो मम्मी ने यहाँ पे भी खाना बनाया था, बट वहाँ पे दादू ने दादी को भी बोल दिया, वहाँ पे भी खाना बना दिया। सो खाना बहुत एक्स्ट्रा बन गया है। मम्मी ने कढ़ी राइस और चपाती बनाई थी, और वहाँ दादी ने दाल बनाई है और राइस बनाए थे। सो खाना बहुत एक्स्ट्रा हो गया है। सो अब तो नाइट हो गई है, तो मैंने क्या किया, जो सुबह के जो राइस बचे थे उनको फ्राई कर लिया, और इतने टेस्टी बनाए, उनको इतना मज़े से खाया मैंने। एंड देन पापा ने बनाना शेक बना रखा था, उसको आराम से पिया। सो अब करते हैं एडिटिंग एंड मिलते हैं कल आपसे। बाय, टेक केयर।